बीते साल में पब्लिक के लिए ओपन हुए ओपन एआई कंपनी के एआई चैटबॉट यानी चैट जीपीटी ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया ही हुआ था कि अब कंपनी की ओर से आई दूसरी खबर ने भी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ताजी खबरों के मुताबिक ओपन एआई कंपनी के बोर्ड को उसके को फाउंडर और सीईओ सैम ऑल्टमैन की काबिलियत पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। इसके बाद अब इस कंपनी की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी कि सीटीओ मीरा मुराती अंतरिम सीईओ की भूमिका निभाएंगी। इसके अलावा ओपनएआई के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन बोर्ड भी चेयरमैन के रूप में पद छोड़ देंगे। इस खबर के बाद से गूगल पर मीरा मुराती का नाम और उनकी डिटेल्स लगातार खोजी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 34 साल की मीरा के पेरेंट्स भारतीय मूल के थे। मैकेनिकल इंजीनियर की स्टूडेंट रही मीरा ने डॉर्टमाउथ कॉलेज में ग्रेजुएशन के दौरान हाइब्रिड रेस कार बनाई थी। टेस्ला में काम करने के बाद वो साल 2018 में ओपन एआई में शामिल हुई। टेस्ला में उन्होंने मॉडल एक्स कार को बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये तो हुई ओपन एआई कंपनी के बाद, लेकिन इसके पहले भी आप सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, लीना नायर, अजय बंगा, अंजलि सूद, सोनिया सेंगल, जयश्री उल्लाल और शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा, पराग अग्रवाल और संजय मल्होत्रा जैसे लोगों के नाम भी सुने होंगे, जो लगातार अपने पदों पर रहकर किसी संस्थान को असीम ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं। कॉर्पोरेट ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स की भी बात करें तो ऋषि सुनक, एंटोनियो कोस्टा, प्रविंद जगन्नाथ और हलीमा याकूब समेत भारतीय मूल के कई राष्ट्र प्रमुख भी हैं, जिन्होंने दूसरे देशों की कमान भी संभाली है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर ये बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विदेशी लोग भारतीय मूल के लोगों को ही कमान क्यों सौंप रहे हैं? क्या ऐसा होना कोई अचानक घटना है? दरअसल ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारतीयों की कुछ स्पेशलिटीज हैं। आइए नजर डालते हैं इनकी क्वालिटीज पर। रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स JLL इंडिया ने वर्कप्लेस पावर्ड बाय ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इंडियन प्रस्पेक्टिव नाम की एक रिपोर्ट निकाली थी। इस विश्वव्यापी सर्वेक्षण में 12 देशों के 7000 से अधिक उत्तरदाताओं ने भाग लिया, जिसमें पाया गया कि जापान के बाद भारत दूसरा अत्यधिक गतिशील कार्यबल वाला देश है। इसके अलावा कई और सर्वे हैं जो बताते हैं कि भारतीय बहुत जुझारू होते हैं। वे शुरू से ही अनिश्चितताओं के बीच बेहतर फैसले लेने में सक्षम होते हैं, साथ ही उनके पास विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए हमेशा एक प्लान बी होता है। इस कारण वे किसी भी परिस्थिति को दूसरे के मुकाबले बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि भारतीय वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा काम करने वाले और सबसे कम सैलरी पाने वाले श्रमिकों में से एक हैं। विदेशों में जाकर कई भारतीयों ने बड़ी कंपनियां स्थापित करके अपनी बेस्ट मैनेजमेंट स्किल का भी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। इस तरह की मुनाफा कमाने और व्यवसाय को आगे ले जाने की समझ के चलते भी विदेशी भारतीयों पर अधिक भरोसा करते हैं। तकनीकी में भी भारत ने पिछले कुछ दशकों से झंडे गाड़े हैं। TCS, इंफोसिस, विप्रो और SCL टेक जैसी भारतीय कंपनियां दुनिया के टॉप सॉफ्टवेयर कंपनियों में शामिल हैं। इन रिकॉर्ड्स के चलते भी वैश्विक कंपनियां भारतीयों को उच्च पदों पर जगह दे रही है। अब जरा भारत की भी खासियत समझ लेते हैं। दरअसल मौजूदा समय में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब सोचिए अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनियों के CEO भारतीय होंगे तो उन्हें भारतीय बाजार को समझने में मदद मिलेगी। इसके बाद कंपनी अपने उत्पाद तैयार कर पाएगी, जिससे प्रॉफिट और फेम दोनों बेहतर होंगे। तो ये सभी आंकड़े हमारे दर्शकों के लिए ये संदेश छोड़ जाते हैं कि हमारा देश अपने आप में अनोखा है और इसका हर निवासी कुछ बेहतर कर गुजरने में सक्षम है। आपके हिसाब से ज्यादातर भारतीय मूल के ही लोग लीडर क्यों बनते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।